नमस्कार, यूएस एंड हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर देखा गया कि इंसानों में एक किडनी स्टोन की बीमारी होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, और किडनी स्टोन्स को इतने गंभीरता से कोई लेता नहीं, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो हो सकता है ये एक घातक भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो किडनी स्टोन क्या है, इसके उपाय उपचार क्या है और इससे कैसे बचना, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमने आमंत्रित किया हमारे स्टूडियो में केतकी नर्सिंग होम एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल धंतोली नागपुर के सर्वे सर्वा डॉक्टर सदाशिव भोले, जो कि MS MCH के बाद उन्होंने DNP और FSMAI को भी हासिल की है। अलावा इसके कई सारे फैकल्टी मेंबर बन के ये जाते भी है देश विदेश में, और कई सारी चीज़ों में इनकी मास्टरी है। इनसे हम जानेंगे, सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते सर। जैसे मैं इंट्रो में बता रहा था, किडनी स्टोन वैसे घातक नहीं है, लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो हो सकता है कि वो फेटल भी हो सकता है। yes. तो ये आखिर ये स्टोन होता क्या है सर? यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, जिसकी शुरुआत किडनी के उप अग्रिम पार्ट से होती है, और यूरेथ्रा, जिसमें से एक्चुअली यूरिन निकलती है, तो कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी स्टोन बन सकता है। अब ये स्टोन मतलब एक्चुअली पथरी जैसा ही रहता है, पत्थरी जैसे रहता है, इसीलिए उसको स्टोन बोलते हैं, या हमारी भाषा में उसको कैलकुलस बोलते हैं। तो ये बेसिकली सुपर सैचुरेटेड जो यूरिन रहती है, मतलब यूरिन जिसमें पानी की मात्रा कम हो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो, तो वहाँ पर, या कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा हो, तो वहाँ पर ये स्टोन बन जाता है, जो कि एक्चुअली पत्थर जैसा होता है। तो एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट ये बन सकता है। ये मर्दों में बन सकता है, स्त्रियों में बन सकता है, बच्चों में भी बन सकता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसे आपने सही कहा कि आम तौर पे फेटल नहीं होता, पर स्टिल इट हैज़ गॉट मॉर्टेलिटी रेट्स एंड वेरी हाई कॉम्प्लिकेशन रेट्स। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर और ख़राब रहते हैं। एक्चुअली इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सर, अगर आपके शरीर में स्टोन रह गया। हाँ। और इसका बाकी शरीर पे कुछ इसका फ़र्क हाँ पड़ सकता? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, स्टोन रहना एबनॉर्मल है, नॉर्मल इसमें स्टोन नहीं रहना चाहिए। अगर आप के शरीर में या यूरिन ट्रैक्ट में छोटे स्टोन है, पर्टिकुलरली किडनी में, तो ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार पेशेंट्स जाएंगे रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए और वो रिपोर्ट लेके आते हैं मेरे पास कि सर मेरे को 4 मिलीमीटर के स्टोन है, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम कौन से लोगों में है, जैसे छोटे भी स्टोन्स जो है, जैसे कि एयरफोर्स के लोग हैं, पायलट्स है, मर्चेंट नेवी के लोग हैं, सो नेवल ऑफिसर्स, एयरफोर्सेस, या जो लोग मिशंस पे जाते हैं जंगलों में, एंटार्क्टिका पे वगैरह वगैरह, उनको नहीं चलता, क्योंकि उनको वो छोटा स्टोन भी घातक बन सकता है। बाकी लोगों के वो कैसे सर? जैसे कैसा रहता है कि स्टोन रहने के बाद आपको पेन का अटैक कहीं पे भी आ सकता है। अब मेरा एक पेशेंट है, वो फाइटर पायलट है, अगर इफ़ इज़ फ्लाइंग एट दैट स्पीड और उसको अगर पेन का कोलिक का अटैक आ गया तो ही कैनॉट हैंडल इट। सो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दे स्क्रीन देयर ऑफिसर्स, और उसमें स्टोन नहीं होना चाहिए यूरिनरी स्टोन में। जबकि जो नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन है, ये डिपेंड करता है, कॉम्प्लिकेशन किस पे डिपेंड करता है कि स्टोन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, पेशेंट वैसा कैसे है। जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर यूरेटर में स्टोन है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूरेटर से अगर स्टोन से रुकावट हुई तो पूरे किडनी पे सूजन आती है। और अगर उसमें भी पेशेंट अगर डायबिटिक है या थोड़ा एज ज़्यादा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स जो है ये ऐड करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। तो नो स्टोन इज़ गुड, कोई भी पथरी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो पथरी कहीं रुकावट पैदा कर रही है, या बहुत बड़ी है, या बहुत दिनों से है, तो भी तकलीफ हो सकती है। एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे अगर कुछ स्टोन, मैं ऐसे आप देखेंगे कोई मरीज़ कि सर मुझसे 15 साल से स्टोन है लेकिन मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन मैं दूसरे कारण से अल्ट्रासाउंड करने गया या एक्सरे करने गया तो मुझे स्टोन दिखा, पता चला। तो अब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, बहुत सारे डॉक्टर, बट अगर वो फॉरेन बॉडी है, अगर बहुत दिन तक यूरिनरी ट्रैक में रही, तो क्रॉनिक इरिटेशन से उसमें एक प्रकार का कैंसर भी होता है, स्क्वैमस सेल कैंसर बोलते हैं उसको। तो वो स्टोन अगर बहुत दिन तक ब्लैडर में रहा या किडनी में रहा तो वो होता है। यूरेटर्स में स्टोन रहने से, या बाकी जगह पे जो सक्रिय नलियाँ हैं जिसमें स्टोन अगर रुकावट होती है, तो उससे किडनी खराब होती है, और किडनी खराब होने के बाद आपको पता है कि इसका इलाज कुछ नहीं। दूसरी बात, मतलब उसमें रुकावट जो रुकी हुई पेशाब है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो दिस कैन लैंड ए पेशेंट इन ICU, हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स, एकदम BP कम हो जाता है। इट कुड लीड टू फैटेलिटी। यस, इट कुड लीड टू फैटेलिटी। वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ICU एडमिशंस इन द वर्ल्ड इज, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सेकेंड इज यूरिनरी इन्फेक्शन। एंड यूरिनरी इन्फेक्शन का लीडिंग कॉज इज ऑब्स्ट्रक्शन, एंड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज स्टोन। ऐसा है सर, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है इस बार, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए,
राइट, लेकिन दूध में कैल्शियम है और फिर बाद में प्लांट्स में ऑक्सीलेट होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट से क्रिस्टल्स बन के स्टोन बनता है, तो फिर ये कैसे इसको आप डिफाइन करो? देखिए, सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना सबके लिए, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर आप में स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी है तो आपने नहीं लेना चाहिए, लेकिन पूरा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पूरा मिल्क प्रोडक्ट्स ही बंद कर दिए तो आपका कैल्शियम का सोर्स कहाँ से आएगा? तो कैल्शियम का सोर्स अगर आपके शरीर में नहीं आएगा तो आपके बोन्स, आपकी हड्डियों से ये कैल्शियम जाएगा और आपके हड्डियाँ ओवर ए ऑफ टाइम ऑस्टियोपोरोटिक होकर उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो हमको एक कैलकुलेटेड क्वांटिफाइड डाइट देना है, ना कि एकदम ना ले। हरी पत्ते की सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अतिशोक्ति नहीं करना चाहिए। और ये बहुत हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है, वो डिपेंड भी करता है कि स्टोन किस केमिकल एनालिसिस में क्या निकला, कैल्शियम ऑक्सलेट का है या यूरिक एसिड का है। अगर आपको यूरिक एसिड का स्टोन है तो फिर आपने नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, आपने एग्स नहीं लेना चाहिए, लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट है तो अलग है। स्ट्रोवाइड स्टोन एक टाइप का स्टोन होता है जो इन्फेक्शन से बनता है। सो एक पर्टिकुलर हम एक चीज़ पर ऐसे उंगली नहीं रख सकते कि नहीं आप कल से दूध बिल्कुल बंद करो, ऐसा नहीं है। 200 ml तक दूध हर इंडिविजुअल ने लेना चाहिए। इट इज़ टॉलरेबल एंड इट इज़ बेसिक नेचुरल, क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ कैल्शियम है ये, और अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, एक्सटर्नल सोर्स से अच्छा सोर्स है, तो उतना लेना चाहिए। तो क्वांटिफिकेशन हम हर पेशेंट में करते हैं कि उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख के, उनको स्टोन फॉर्मेशन कितना एग्रेसिव है, इनको फैमिलियल हेरिडिटरी है या ऐसा कुछ है क्या, उससे हम फिर डिसाइड करके उनको एक डाइट बताते हैं कि सी दिस इतना आपको अलाउड है, इससे ज़्यादा आप ना ले। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी न्यूट्रिशन का टॉपिक निकला है तो एक चीज़ हम हर समय भूल जाते हैं कि सॉल्ट जो अपने डाइट में होता है। आपको बताया कि भारतीय लोगों में सॉल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में, क्योंकि हम अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, अपने सॉल्ट हर जगह, सब्जी में हर जगह होता है। सॉल्ट इज़ द मेन कल्प्रिट एज फार एज स्टोन्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर कंसर्न। हमारे पॉपुलेशन में नमक की मात्रा सबसे बड़ा एक मुजरिम है, ये पथरी की बीमारी। बट सर, अगेन कहते हैं कि पोटेशियम इज बेटर देन सोडियम। हाँ, तो हाउ डू यू डिफाइन दैट? सी, सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो जो बाकी के सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट, दिस सॉल्ट, डैट सॉल्ट, माउंटेन सॉल्ट, सी सॉल्ट, एवरीथिंग इज अल्टीमेटली सॉल्ट। इट हैज़ गॉट सोडियम एंड क्लोराइड, और ये सोडियम और क्लोराइड के आयन जब डिसोसिएट होते हैं और किडनी में जब एक्सचेंजेस होते हैं तो इसमें गड़बड़ होती है, वो कैल्शियम को रोक लेते हैं। अच्छा। और ये कैल्शियम सुपर सैचुरेट होकर स्टोन बनता है। अभी जो WHO रिकमेंडेशन हेल्दी डाइट का क्या है, 5 ग्राम सॉल्ट पर डे इन एन एडल्ट। लेकिन हम तो शायद एक टाइम पे पांच ज्यादा ही पापड़ या ये खा लिया तो हो गया 5 ग्राम, वही हो गया। बट हैव वी बिकम इम्यून टू दीस थिंग्स कि भाई सॉल्ट का इंटेक ज्यादा होने के बाद भी रेयर केसेस होते हैं स्टोन्स के? नहीं, रेयर केसेस नहीं है, द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली, एक्सपोनेंशियली। बिकॉज़ मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 10% में 1% को होने के चांसेस। नहीं, दैट इज वेरी हाई फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट। अगर आप, मैं आई स्टार्टेड ट्रेनिंग 25 years back, मुझे अभी प्रैक्टिस में 20 साल हो गए, यूरोलॉजी प्रैक्टिस में 25 साल पहले मैंने ट्रेनिंग और ये सब रेसिडेंसी शुरू की थी, तो तब के इंसिडेंसेज ऑफ स्टोन और आज के इंसिडेंसेज में बहुत फर्क है। आज आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा जिसके फैमिली में कोई नहीं, किसी को ना किसी को कभी ना कभी स्टोन की तकलीफ हो गई। अपना डाइट वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, अपना एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, अपना वेजिटेरियन प्रोटीन कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया, अतिशोक्ति हो गई न्यूट्रिशन में। इंडियंस वेर ऑलवेज ए स्टार्व्ड पॉपुलेशन, हमको खाने को कभी मिला ही नहीं, बरसों से जनरेशंस हमारी भूखे रही और अभी हमको एक्सेस मिला है, तो उसके ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो स्टोन डिजीज इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। एंड विद यंग फूड, फास्ट फूड के साथ और भी एक्सेल, फास्ट फूड इज वर्स यंगर लोगों में भी। यस, फास्ट फूड में बहुत मात्रा ऑफ नमक, बहुत सारे चीज एसोसिएटेड, एनिमल प्रोटीन एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स है। आप वेजिटेरियन भी खाएंगे तो उसमें भी जो एडिटिव्स रहते हैं ना, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो देयर इज नो क्वांटिफिकेशन, हमको पता नहीं है कि वो लोग टेस्टी खाना बनाने के लिए क्या डाल रहे हैं, है ना। वी डोंट गो टू द ग्रास रूट लेवल, एंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कंजम्पशन, यस, वो भी, यस, एंड अ डिक्रीज इन द वाटर कंजम्पशन, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग। और सेकेंड एरियाज नागपुर के अराउंड या बाकी के भी स्टेट में या बाजू में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुछ एरियाज है जहाँ पे हार्ड वाटर होता है, तो हार्ड वाटर में स्टोन फॉर्मेशन के इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सर, आपने जैसा कहा कि इज इट हेरिडिटरी? पार्टली इट इज, यस। स्टोन डिजीज दो अलग अलग, आपके जो प्रेक्षक है उनके लिए मैं बताता हूँ, दो अलग अलग ग्रुप के पेशेंट हैं।
एक जिसको बाय एक्सीडेंट स्टोन हो गया, जैसे बहुत खाना पीना खाया, मद्यपान की आदत है और सडनली स्टोन हो गया एंड देन वो ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, वो एक इंसिडेंस है। दूसरा एक पेशेंट है जिसको 16-17 साल में उम्र में हुआ, फिर रिकरेंस हुआ, फिर रिकरेंस हुआ। तो दिस व्हेन देयर इज एक्टिव स्टोन डिजीज, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव डिजीज, मतलब स्टोन बनने की प्रक्रिया शरीर में शुरू है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम सस्पेक्ट करते हैं हेरिडिटरी फैक्टर। और फैमिली हिस्ट्री में अक्सर हमको मिलेगा कि उनके बड़े भाई को भी स्टोन है, उनके पिताजी को भी था। अभी हेरिडिटरी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें स्टोन बनते हैं, ऑक्सल यूरिया इज वन कंडीशन, साइट्रेट डेफिशिएंसी इज वन कंडीशन, बाय डिफॉल्ट हो जाए हाइपर कैल्सी यूरिया, तो उनको दे आर प्रोन टू डेवलप दिस स्टोन डिजीज। तो यस, इट हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी एलिमेंट ऑल्सो। बट उसमें और एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि हर एक फैमिली का ईटिंग पैटर्न और चॉइस ऑफ फूड ऑलमोस्ट सिमिलर रहता, ये भी आप ध्यान रखें, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज हेरिडिटरी विथ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे मरीज स्टोन का मरीज बनता है। यस यस सर, जैसे अभी आपने स्टोन्स की बात की, तो स्टोन्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन से स्टोन्स के लिए हम कैजुअल रहे या फिर बाद में वी नीड नॉट वरी दैट मच, और किन स्टोन्स के लिए सर्जरी की आप एडवाइस करते हैं? आप किसी भी प्रकार के स्टोन के लिए कैजुअल ना रहें। माई सीरियस एडवाइस टू यू इज कि जब भी स्टोन होता है तो आपने कैजुअली लेना ही नहीं है उसको, क्योंकि कोई भी प्रकार का स्टोन डेंजरसली ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता, आपको तकलीफ दे सकता, आपको पेन दे सकता और उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, अभी उसमें अगर स्टोन किडनी में है, बाजू में है, किडनी में स्वेलिंग नहीं है, तो अपने पास थोड़ा समय है, तो हम हमारे समय से चलते कन्वीनियंटली उसको एक यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उनका ओपिनियन ले सकते हैं और ट्रीटमेंट जो बताए वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन यूरेटर में फंसा हो और आपको आज दर्द नहीं है लेकिन यूरेटर में फंस के आपको दर्द होना शुरू हुआ हो, तो उसको बिल्कुल कैजुअली ना लें, क्योंकि वो आपको कहीं पर भी किसी भी वक्त इमरजेंसी में डाल सकता है। जैसे अपन ने डिस्कस किया, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोलिक हो सकता है, प्लेन उतारना पड़ता है, नीचे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे भी उतारना पड़ता है, तो इट इज़ समथिंग विच कैनॉट बी टेकन कैजुअली। और वो दर्द मैं आपके जो प्रेक्षक जो मरीज होंगे स्टोन के, उनको पता है कि वो दर्द कैसा दर्द होता है, वो दर्द डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, अनबेरेबल पेन, जैसा उसका डिस्क्रिप्शन किताबों में है, लाइक अ फिश टेकन आउट ऑफ वाटर, मछली जैसे पानी के बाहर तड़पती है ना, वैसे पेशेंट टॉस एंड अराउंड होता है। दैट्स अ वेरी क्लासिकल काइंड ऑफ फाइंडिंग इन यूरिनरी स्टोन्स। क्या साइंस और सिम्टम्स कैसे होंगे सर कि हम पहचानेंगे इसको स्टोन का प्रॉब्लम? दो गुट के पेशेंट है, एक जिनमें कोई साइंस एंड सिम्टम नहीं होते और वो दूसरे किसी कारणवश जांच होती है और उनको स्टोन होते हैं। दीज आर साइलेंट स्टोन्स, दे आर साइलेंट किलर्स ऑल्सो, बिकॉज वो देर तक पेशेंट को पता ही नहीं लगता। दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो सबसे कॉमन कॉज है दर्द, दर्द होना, पेट में दर्द होना, असह्य पीड़ा होना, तो कभी कभी जस्ट फ्लैंक पेन रहता है। जैसे किडनी में स्टोन है तो उसमें एकदम ज़्यादा ऐसा सीवियर पेन नहीं होगा, लेकिन उनको भारीपन लगता, और बहुत सारे पेशेंट बैक पेन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं उसके लिए। सो बैक पेन के मरीजों में बहुत बार स्टोन भी निकलता है, क्योंकि बैक और किडनी एकदम बाजू बाजू में है ना, तो वो बैक पेन कॉमन है अपने यहाँ पर भी, तो वो बैक का पेन, डल पेन, दैट इज़ किडनी पेन। कोलिक मतलब सीवियर पेन विच यू कैनॉट मिस। दूसरे कुछ फाइंडिंग्स रहते हैं, जैसे कभी ब्लड जाना यूरिन में, ठंडी लग के बुखार आना यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से, दिस कैन ऑल्सो प्रेजेंट लाइक स्टोन। कभी कभी पेशाब पूरी तरह से रुक जाती है, स्टोन नीचे यूरेथ्रा में आके अटक जाता है, तो ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है एंड पेशेंट कम्स विद एन इमरजेंसी कि मुझे डॉक्टर साहब यूरिन ही नहीं हो रही। कभी कभी पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एक्यूट किडनी फेलियर, दोनों यूरेटर्स में स्टोन है, आके फंस गए और पेशेंट को यूरिन नहीं हुई 24 आवर्स एंड सडनली पेशेंट गोज इन किडनी फेलियर, एन्यूरिया बोलते हैं हमारी भाषा में उसको। तो जितना आपको लगता है ये रेयर है, उतना रेयर नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट स्पेशलाइज केयर में आते हैं, यूरोलॉजी केयर में आते हैं, इसलिए जनरल पॉपुलेशन का मानना है कि ये रेयर होगा कि दोनों यूरेटर में स्टोन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं स्टोन के। लेकिन अगर मैं आपको फिर से एक बात आपको क्लियर करता हूँ कि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हम इनको बोलते हैं, कि जो दर्द लेके आए स्टोन की वजह से या उसके कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए। दूसरा सबसेट है कि जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं है। भगवान ने दर्द हमको हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया है। कांटा चुभता है पैर में तो हमको पता लगता है कि कांटा चुभ गया है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको चुभता नहीं है, उसका पैर पूरा इन्फेक्ट होके सब खराब हो जाता है, तभी भी वो उसको कैजुअली लेता है। तो पेन इज़ ए प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ फिनोमेना, और इट्स ट्रू फॉर स्टोन्स। तो दर्द हुआ तो जल्दी डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, नहीं हुआ
तो सोनोग्राफी पे दिखा तो थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी गणपति के फेस्टिवल के बाद जाएंगे, फिर दिवाली के बाद, ऐसा प्रोकास्टिनेशन हम आगे आगे ढकलते रहते हैं उसको. तो ये दैट कुड बी अ कॉज आल्सो. या दैट इज अ कॉज. जैसे आपने कॉजेस तो बहुत अच्छे बताए कि किस कारण से हो रहा है वगैरह, लेकिन साइज को भी लेकर एक इश्यू आता है कि इट कुड बी एज स्मॉल एज 1 मिलीग्राम का से लेकर एक पिंग पोंग बॉल तक साइज हो सकता है. तो ये किस कारण ये बढ़ता है घटता है या फिर बाद में? इट कैन बी 1 मिलीमीटर और इट कैन बी एज लार्ज एज ए हैंडबॉल इन ब्लैडर. हैंडबॉल लाइक अ बिग कोकोनट, इतना बड़ा नारियल इतना भी बड़ा हो सकता है. इतने भी बड़े निकालने पड़ते हैं कभी ब्लैडर में होते जनरली ये बहुत बड़े बड़े स्टोन. किडनी में 8-8, 10-10 सेंटीमीटर के स्टोन होते हैं. तो कैसा है कि साइज इफ इट इज स्मॉल और किडनी में है तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करते, हम लोग इसको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले देते हैं ताकि बहुत बार जैसे साइज छोटी रही तो डिसोल्यूशन थेरेपी मेडिसिन से होती है जो स्टोन डिसॉल्व होकर निकल सकता है. अगर साइज छोटी होती है तो कभी कभी यूरेटर में से पेशेंट पास कर देता है. अच्छा. तो ये सब जो छोटे साइज के स्टोन्स हैं इसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पहले ट्राई करते हैं. जैसा स्टोन 7-8 मिलीमीटर का हो गया तो थोड़ा बॉर्डर लाइन हो गया, फिर उसके निकलने के चांसेस कम है, डिसॉल्व होने के चांसेस कम है. उससे ज्यादा बड़ा हुआ तो देन यू नीड सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ऐसा है सर. जैसे अभी ये आपने बताया कि इट कुड वेरी फ्रॉम दिस साइज टू दिस साइज, तो कुछ लिथोट्रिप्सी से कहिए और कुछ तरीके से उसको स्मैश करके फिर उसको निकाल दिया जाता है यूरेट्रा. देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना स्टोन के वो बहुत ही इवॉल्व्ड है. अगर हिपोक्रेटिस जो है जिसकी हम लोग ओथ लेते हैं उसने भी एक स्टेटमेंट बोला था कि आई विल नॉट कट फॉर द स्टोन. मतलब हिपोक्रेटिस वाज आल्सो टेरिफाइड ऑफ यूरिनरी स्टोन कि मैं इसको नहीं करूँगा, आई विल लीव इट टू द एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड कि जो इसमें माहिर है उनको ही मैं छोड़ूंगा, मैं नहीं करूँगा जनरल सर्जरी, मैं नहीं करूँगा. तो दिस वॉज हिपोक्रेटिस का स्टेटमेंट. तो कैसा है कि मतलब तब से इट इज़ इन इवोल्यूशन. तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है इसमें तो उसमें बेसिकली एक ESWL है, लिथोट्रिप्सी हम जिसको बोलते हैं, जिसमें बाहर से साउंड वेव्स या शॉक वेव्स जनरेट होके स्टोन को टारगेट करके उसको ब्रेक करते हैं. तो उसकी मट्टी होके छोटे पीसेस होके यूरिन में स्टोन पास कर देता है पेशेंट. दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सेकेंड इज अभी जो स्कोप्स है जो दूरबीन है वो बारीक बारीक हो गई. जितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है उतनी दूरबीन का साइज छोटा होता जाता है. तो बारीक से बारीक से क्या फ़ायदा है अपने को कि कम से कम ट्रॉमा, शरीर को कम से कम उसकी तकलीफ होती है और उसमें से जाके हम लोग स्टोन को विजुलाइज कर सकते हैं बड़े मॉनिटर पर, HD में, यू नो मेडिकल मॉनिटर्स आर हाई HD मॉनिटर्स, उसको देख सकते हैं, उसको लेज़र से ब्रेक कर सकते हैं. अभी दो लेज़र्स बहुत पॉपुलर है अपने यहाँ पर, होलमियम लेज़र एंड थूलियम फाइबर लेज़र. हाल ही में इंदौर में आपने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, लाइव किए थे. हम दोनों यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ स्टोन लोड बहुत, स्टोन के पेशेंट्स बहुत रहते हैं तो वी हैव टू, हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है. सो ये जो लेज़र्स के उपाय है इसमें स्टोन का बहुत ही बड़ा मतलब बहुत चंक स्टोन का है. तो लेज़र से क्या होता है कि यू कैन, स्टोन से आप कुछ भी कर सकते हैं. आपको बड़े टुकड़े चाहिए तो बड़े टुकड़े कर सकते हैं, उसको पकड़ के फोर्सेप्स या बास्केट से निकाल सकते हैं. आपको उसका पाउडरिंग या डस्टिंग करना है, कुछ कुछ एरियाज डिफ़िकल्ट रहते हैं निकाल स्टोन को एक्चुअली खींच के निकालने में, तो उसमें आप उसको डस्टिंग कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी अगर आपने लेज़र की एक अरेंज की तो वो अपने को दिखता है से डस्ट होकर वेपराइज हो जाता है स्टोन कम्प्लीटली. सो दीज आर मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस. तो एक हुआ ESWL, दूसरा हुआ एंडोस्कोपी या एंडो यूरोलॉजी, जिसमें कि हम अंदर से ही बिना पेशेंट को कोई भी पंक्चर किए ये पूरी शस्त्रक्रिया होती है. थर्ड कैटेगरी जो इसमें है वो है पंक्चर करके ऑपरेशन करना. जैसे PCNL किडनी में बड़ा स्टोन है तो बड़े स्टोन के लिए पहले बहुत 10-12 इंच का चीरा मारना पड़ता था. अभी 7-8 या 6 मिलीमीटर के चीरे में से पूरा स्टोन निकाला जा सकता है बाहर. तो उसमें जाके उसको देख के उसको ब्रेक करके उसके पीसेस निकाले जाते हैं. तो इसमें एडवांटेज क्या है, एक तो इंसिजन विच इज़ नॉट विजिबल लेटर, रिमार्केबल लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, दर्द बहुत कम होता है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में. 2 दिन में पेशेंट घर जाता है, 1-2 दिन आराम करके 3रे 4थे या 5वें दिन अपने काम पे चले जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये सर्जरीज में किडनी को इंजरी एकदम लिमिटेड होती है बिकॉज यू आर गोइंग टू वेरी स्मॉल होल्स. एक प्रिसाइज टारगेट, प्रिसाइज टारगेटिंग. ओपन सर्जरी के मामले में दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है कि इसमें स्टोन छूटना या रह जाना ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अभी.
मतलब एक 10-1000 में एखादा ही पेशेंट रहता है जिसका स्टोन छूट जाता है या डिलिबरेटली बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन या टेक्निकल किडनी के प्रॉब्लम्स के छोड़ देते हैं। ये बहुत ही रेयर है, अभी पहले बहुत कॉमन था, क्योंकि ओपन सर्जरी में आपने किडनी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, आपको जो दिखता कि मैंने पूरा निकाला, लेकिन दो एरियाज ऐसे रहते जो आपको दिखते नहीं आँख से। एंडोस्कोपी में वैसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर से इमेजिंग भी रहता है सीएम का, सीटी जैसा, और एंडोस्कोप भी रहता है। एंडोस्कोप यू कैन, यस, डबल इमेजिंग एंड फुल प्रूफ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो मिनिमल इनवेज एक्सेस सर्जरी जो है वो दैट इज ब्रॉट इनटू प्ले। या रीनल स्टोन्स जो होते हैं और ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं, इनमें कोई फर्क रहता है? नहीं, फर्क कुछ भी नहीं रहता, एक्सेप्ट द लोकेशन। एक्सेप्ट द लोकेशन, जैसे किडनी का लोकेशन केमिकली दे आर सेम, बट ब्लैडर के स्टोन्स कैन ग्रो टू ह्यूज साइजेस। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद नारियल से भी बड़ा एक स्टोन निकाला ब्लैडर में से, और वो कई सालों तक था, पेशेंट को 20 साल के ऊपर था वो स्टोन, तो इट वॉज ए ह्यूज स्टोन। तो उतना भी स्टोन, क्योंकि ब्लैडर में जगह है बड़ा होने के लिए, बट किडनी में इतना स्टोन नहीं होता। किडनी में लार्जर स्टोन्स कैन बी 7-8 मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर, वो भी अपने एरियाज में अभी थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं। पहले बहुत कॉमन था ये, लेकिन अभी आजकल नहीं मिलते, क्योंकि अभी नॉर्मल आदमी को भी बेसिक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और मेडिकल केयर इज अवेलेबल, ऐसा है। सर, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है कि अक्रॉस द काउंटर जाके मेडिसिन ले लो और किसी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं रहता वो, कई बार तो व्हाट्सएप से कहिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो एडवाइस रहता है वो लेके दे फॉलो इट, हाउ डेंजरस इज इट? क्योंकि मेडिसिन इज अ बेटर ऑप्शन या सर्जरी एज यू सेड इज अ बेटर? ओवर द काउंटर इज डेंजरस फॉर एनी डिजीज, कोई भी बीमारी के लिए अगर आप ओवर द काउंटर एडवाइस, हाँ, बिना डॉक्टर एडवाइस के लेना। जैसे अपन इतना डिस्कस कर रहे हैं कि किसको दूध पीना चाहिए किसको नहीं, ये भी हम डिसाइड करते हैं पेशेंट को देख के। तो इट इज़ नॉट द मेडिसिन कि बहुत दर्द हुआ तो ये टैबलेट ले लो, ऐसा नहीं है, दर्द का गोली नहीं है ये। अपने को एज ए होल पेशेंट को इवेल्युएट करना पड़ता। एक एक्सपर्ट डॉक्टर आपको 2 मिनट में बात करके देख के जान जाएगा कि आपके साथ क्या सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज सालों साल हजारों पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं, बट वो ओवर द काउंटर इज नॉट गुड। तो ओवर द काउंटर तो टालना ही चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर एनी डिसीज। जहाँ पे आपको लगता है, जैसे अभी अपन पैंडेमिक से गुजरे कि मुझे सादी सर्दी है, इट कैन बी ए कोरोना इन्फेक्शन ऑल्सो ना। सो ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन इज वेरी 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 डेंजरस। मैं दर्शकों को बता दें कि सर ने जैसा कहा कि अक्रॉस द काउंटर बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के आप अपने मन से कोई टैबलेट्स या मेडिसिन ना ले, एंड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर, कंसल्ट स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट अपने एरियाज, जो नागपुर अराउंड सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं। आप जहाँ पर भी हो तो आप एक्सपर्ट की जानकारी ले सकते हैं, है ना? और क्योंकि ये अपने शरीर का, अपने खुद का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट है, है ना? तो डोंट ट्रस्ट ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन। सर, कुछ मिथ्स है मेरे पास। हाँ, जहाँ कहा गया कि तुलसी खाने से या फिर नींबू का जो जूस है वो पीने से पत्थर की साइज कम होती है, डिसॉल्व होने लगते हैं, बिल्कुल, इज दैट राइट? मैं आपको और 2-3 बताता हूँ। हाँ। मछली की आँख खाने से, हाँ। फिर जंगली दवाइयाँ खाने से, हाँ। देखिए केला का जो स्टेम स्टेम है वो खाने से, हाँ। देखिए मुझे एक बात आप लॉजिकली बताइए, हाँ। अगर इसमें मेडिसिन की पावर होती तो मेडिसिन कंपनी इसको पैक करके मार्केट नहीं करती है ना, इसका राइट्स नहीं ले लेते, right. इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं ले लेते, अगर इतना सिंपल होता तो तुलसी, हाँ, खाने से तो इट्स नॉट दैट सिंपल। इट्स ये जो मेडिकल फील्ड है ये बहुत इवॉल्व है, ये आज से नहीं, ये 4000 साल BC पहले इजिप्शियन कल्चर में भी डॉक्टर थे, तो तब से इवॉल्व फील्ड है। तो इतना अगर आसान होता तो क्यों ना हम और खुश होते, इतना टेक्नोलॉजी मिलती नहीं थी, इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं बनते थे, इतने बड़े लिथोट्रिप्सी सेंटर्स नहीं बनते थे। तो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट ट्रू, बट हाँ, मेडिकल साइंस में हम उसी दवाई को मानते हैं जो क्लिनिकली साइंटिफिक तौर पे एविडेंस बेस्ड हो, जिसका एविडेंस हो। और एविडेंस ये नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ कि आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं रहता। एविडेंस के जो ये रहते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इट्स ए डबल ब्लाइंड ट्रायल। मुझे भी नहीं पता कि 50 पेशेंट को मैंने दवाई दी कि 50 पेशेंट को मैंने तुलसी का पन्ना दिया, और फिर बाद में रिजल्ट निकलने के बाद होता है कि हाँ ये दवाई कारगर है, और ये साइंटिफिक जर्नल में आती है, टेक्स्ट बुक्स में आती है। तो ये दवाई अगर कोई डॉक्टर आपको लिख के दे रहा है कि स्टोन के लिए आप ये 2-2, 3-3 चमचे दिन में 3 बार लो, तो इसके पीछे बहुत साइंस है, बहुत सालों का।
इट इज़ नॉट एज सिंपल. तो मैं मानता हूँ कि मुझे अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट नेचुरोपैथी और एनी अदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन, बट जो भी आप करें आपके विनय से आप निर्णय लें, उसका एक टाइम पीरियड रखिए. ऐसा ना हो कि आप 6 साल से वही दवाई खा रहे हैं और स्टोन वैसा का वैसा ही है, बढ़ रहा है. अगर आपको लगता है कि आपने ट्राई करना चाहिए, हमको नहीं लगता कि वो ट्राई कर होती है, क्योंकि ये सब खाने के बाद ही पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं, है ना. ऐसे बहुत मरीज आते हैं जिन्होंने सब ट्राई कर लिया, फिर यूरोलॉजिस्ट लास्ट मोमेंट पे आते हैं, जब सब कुछ फेल हो गया तब आते हैं. तो एंड दे एक्सपेक्ट कि आप ठीक कर दो, दे एक्सपेक्ट मी कि आप 2 दिन में हमको ठीक करो, हमने 2 साल दवाई किया. तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ट्राई भी करना है तो आप एटलीस्ट सोनोग्राफी तो करें, एटलीस्ट एक्सरे तो करके देखें कि उसको आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो वी आर मोर देन हैप्पी, हम बहुत खुश हैं आपके लिए. लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मेरी आपसे बहुत बड़ी, बहुत हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं, जो भी आपको पसंद हो, और उनसे आप एक ओपिनियन लें. आप एक रोबोटिक सर्जन भी हो सर, तो आई थिंक सेंट्रल इंडिया में यू आर द ओनली वन राइट नाउ. तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू फाइंड कि कितना कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सर्जरीज? रोबोटिक यूरोलॉजी की जो सर्जरीज है, एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 70% जो सर्जरीज होती है वो यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं, फिर बाकी सब स्पेशलिटी सिर्फ 30% करते हैं. इसका बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है. दिस इज़ ए टाइप ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इवोल्यूशन. इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट के टिप्स होते हैं वो घूमते हैं ऐसे रिस्ट जैसे, जैसे मेरा रिस्ट का मूवमेंट है ऐसा, वो छोटा सा टिप घूमता है. तो इससे सूचरिंग, प्रिसाइज वर्क, सूचरिंग ये बहुत अच्छा होता है. विजन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है. तो व्हेन आई सी इनसाइड द पेशेंट, इट इज़ एज इफ आई एम इनसाइड द पेशेंट. नहीं तो बाकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 2D विजन होता है, इसमें 3D विजन होता है. तो डाइसेक्शन प्रिसिशन बहुत होता है. दूसरी बात, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और पेशेंट उधर है, तो मैं कंफर्टेबली बैठ के ऐसा ऑपरेट करता हूँ और मैं देखते रहता हूँ, रिलैक्स. सो इवन इफ आई हैव टू डू 4 आवर्स ऑफ मेजर सर्जरी, आई एम नॉट टायर्ड. सो सर्जन फटीग इज़ नॉट देयर. सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिकॉज ऑफ फटीग, अगर आपके हाथ में थोड़े ट्रेमर्स आ गए या बहुत लंबा सूचरिंग है, तो रोबोट में ट्रेमर्स नहीं आते. जैसे आपने मूवमेंट दिया वो स्मूथली मूवमेंट करता है. बट इट इज़ ए मास्टर स्लेव काइंड ऑफ टेक्निक, कि मैं मालिक हूँ, जो मैं करूँगा वही वो करेगा और जो मैं बताऊँगा वही वो करेगा. वो अपने आप से, अपने दिमाग से ऑपरेट नहीं कर सकता. तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि रोबोट को फीड कर दो और वो ऑपरेट कर, ऐसा नहीं रहता. जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का, यस, जो मैं करूँगा मेरे एक्शंस वो रेप्लिकेट करेगा इनसाइड द पेशेंट. दैट इज व्हाट इट इज. सो वी आर द मास्टर्स बट इट इज नॉट आवर स्लेव, ऐसा भी हो सकता. वी आर द मास्टर्स एंड इट इज आवर स्लेव एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर अनदर मे बी 20-30 ईयर्स टू कम. एंड्रोलॉजिस्ट की ड्यूटीज क्या होती है? एंड्रोलॉजी एक फील्ड है यूरोलॉजी का विच डील्स विद सेक्शुअल मेडिसिन इन मेन और इनफर्टिलिटी. जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, नपुंसकता हो गया, वंधत्व हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जब मेल फैक्टर इन्वॉल्व रहता है पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी में, सो वहाँ यूरोलॉजी का एक सब स्पेशलिटी ब्रांच है जो एंड्रोलॉजी रहता है. तो उसमें हम कारण पता करते हैं कि जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बहुत बढ़ रहा है वो भी आजकल, अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस, यू नो, अगेन बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज डायबिटीज, ये सब बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं इंडियंस में. तो अपने पॉपुलेशन में नपुंसकता की जो, मुझे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मात्रा है वो भी बहुत बढ़ते जा रही है. तो इवन यंग पीपल, यू नो, 25-20 ईयर्स के, 24 ईयर्स के, वो आर रिसेंटली मैरिड और यंग पीपल इन रिलेशनशिप्स, उनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लग गए. तो यू कम टू नो फ्रॉम पेपर्स एंड अदर सच थिंग्स कि भाई लड़कियां भी आजकल हुक्का पार्लर्स वगैरह जाने लगी, बहुत ज़्यादा, या फिर बाद में ड्रग्स लेने लगी, स्मोक करने लगी, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, हाई प्रोटीन, हाई फैट फूड, ऑल दिस इज एडिंग. वी आर, आवर कल्चर इज चेंजिंग एंड अनफॉर्चुनेटली हमने उनके थोड़े बुरे चीज़ें अडॉप्ट कर ली. हमने ये नहीं देखा कि वो लोग एक्सरसाइज कितना करते हैं और उनमें एक सब स्पेशलिटी है जो ये लाइफस्टाइल करते हैं, उनमें भी बहुत डिसिप्लिन लोग हैं. वेस्टर्नाइज पॉपुलेशन इज नॉट ऑल इनडिसिप्लिन. हुक्का पार्लर में हुक्का पीना इज लाइक स्मोकिंग, ये मिथ है लोगों का. आप कोई भी डॉक्टर को पूछो, हुक्के में उल्टा ज़्यादा ज़्यादा धुआं जाता है. भले निकोटिन नहीं ले रहे हो आप, लेकिन धुआं तो जा रहा है ना. धुआं अल्टीमेटली स्पॉइलिंग एवरीथिंग इनसाइड. सो एंड एक सिगरेट विल लास्ट फॉर मे बी 3-4 मिनट्स, हुक्का गोज ऑन फॉर आवर्स. एंड व्हेन यू डू इट एट ए यंग एज, यू आर बेसिकली, आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. आप, आपका पूरा लंग्स, आपका हेल्थ, आपका हार्ट, आपका औरतों में ऑब्स्टेट्रिक करियर, एवरीथिंग यू आर पुटिंग इट ऑन. अनफॉर्चुनेट.
एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यस, प्रेग्नेंट लेडीज को भी स्टोन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यस यस, तो इज इट रिस्की टू गेट देम ऑपरेटेड और ट्रीटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट? यस यस, प्रेगनेंसी में एनी काइंड ऑफ लिथोट्रिप्सी और स्टोन ब्रेकेज इज नॉट अलाउड, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कैसा है कि अगर प्रेगनेंसी में पेशेंट इमरजेंसी में आती है कि स्टोन यूरेटर में आके फंस गया, बहुत पीड़ा हो रही, बहुत तकलीफ हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर हमको उसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन ट्रीटमेंट में हम स्टोन निकालते या ब्रेक नहीं करते। निकालते कब है? जब वो इजीली पिकअप है कि पिकअप करके निकाल लिया ऐसा, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करते कभी। तो प्रेगनेंसी में स्टोन को डिसइंपैक्ट करके उसमें स्टेंट डाला जाता है एंड देन वी वेट, और डिलीवरी होने के बाद 7-8 दिन बाद देन वी रिमूव द स्टेंट और स्टोन दोनों, क्योंकि वैसा रहा तो उनको इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस होता है, वेरी डेंजरस फॉर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत डेंजरस होता है, और दर्द की वजह से लेबर में जा सकती है पेशेंट, प्रीमेच्योर लेबर में। तो पेन अगर बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रहा, तो फिर स्टेंटिंग किया जाता है। स्टेंटिंग हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, उसके बाद पेशेंट को पूरा बच्चा पैदा होने के बाद स्टोन निकाला जाता है उसका। बट ऑल काइंड ऑफ लिथोट्रिप्स या स्टोन ब्रेकिंग, लेजर्स, एवरीथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, नहीं किया जाता। आपने बताया था सर कि जो साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टोन, क्या बताया आपने, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन क्या हो सकता है सर? मेडिसिन के पर से साइड, हाँ, ड्रग्स जो मेडिकेशन है स्टोन के लिए, उसमें नॉर्मली साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहते, दे आर वेरी माइल्ड। कुछ कुछ लोगों को वो जो दवाई रहती है स्टोन डिजोल्व करने की, पोटेशियम साइड, उससे थोड़ा एसिडिटी होता है, ब्लोटिंग होता है, किसी किसी को सिरप नहीं चलता तो टैबलेट देना पड़ता है, यही है। ऐसे कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते मेडिसिन के। इट इज़ दोस मेडिसिन आर वेरी सिंपल एक्चुअली। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डाइट, आप क्या सजेस्ट करोगे सर, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो, डाइट किस किस्म की होनी चाहिए? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सैलेट कंटेनिंग थिंग्स, कुछ चीज़ें ना खाएं। उसमें कौन सी चीज़ें ना खाएं? जैसे हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन ना करें, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ना खाएं, नमक का बहुत मात्रा में रखें, मद्यपान को लिमिट करें। मद्यपान से भी स्टोन बनते हैं, शराब से स्टोन बनते हैं, क्योंकि शराब पीने से रात को 2-3 बजे के दरमियान डिहाइड्रेशन होता है। और आपको एक बात बता दूँ कि स्टोन फॉर्मेशन ऑलवेज अकर्स एट नाइट, तो मद्यपान ना करें। मांसाहार टाले, नॉन वेजिटेरियन फूड, एनिमल प्रोटीन जो रहता है उससे स्टोन बनते हैं। प्रोटीन्स की मात्रा लिमिट में रखें, सैचुरेटेड फैट्स कम लें, ये एडवाइस है ना करें। क्या करें? अच्छा चीज़ें क्या हैं? पानी ज़्यादा पिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, एक्सरसाइज करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना रहे। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं जिसमें बहुत अच्छे तत्व है जिससे स्टोन अवॉइड हो सकता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, मौसम्बी, संतरा, इसमें साइट्रेट एंजाइम होता है तो उसमें प्रिवेंशन बहुत अच्छा होता है। केला बहुत अच्छा होता है, अनानास बहुत अच्छा होता है, पाइनएप्पल एंड बनानास, बनाना में पोटेशियम भी बहुत, पोटेशियम रिच फूड है वो। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा हम सेवन अगर करेंगे तो उससे स्टोन बनने के संभावना कम हो जाती है, टल जाती है थोड़ी। थैंक यू सो मच सर, आपका पूरा जो टॉक शो था ये अपने आप में एक एडवाइस था सबके लिए, सो नो नीड टू गिव एन एक्स्ट्रा एडवाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, pleasure talking to you.